नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव तहसील में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर तिलक चंदन के साथ पुष्पमाला अर्पित की गई। उसके पश्चात कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर मिष्ठान वितरण किया गया। यह कार्यक्रम श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर के समीप SRG ऑफिस में सम्पन्न हुआ, जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा गया। यहाँ क्या कार्यक्रम मनाया गया? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उन पंच निष्ठाओं के साथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रोधा महामना पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के उस एकात्मानववाद दर्शन को लेके हम सारे लोग उस विचारधारा में काम करने वाले पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हम उस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएँ और जन के लिए जो महामना पंडित दीनदयाल जी ने एकात्मानववाद के दर्शन की जो परिभाषा समाज के बीच में दी है, हम सारे लोग उसी परिभाषा को लेकर समाज के बीच में काम करते हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे बुजुर्ग बार हैं, सम्मानी कार्यकर्ता बंधु हैं, ये सारे लोग समाज के बीच में उस विचारधारा को लेकर काम करेंगे और निश्चित रूप से उस विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या नाम है? राजकुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गोटेगांव। थैंक यू। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इस संबंध में यह कार्यक्रम रखा गया। भारतीय जनता पार्टी का 38वां स्थापना दिवस SRG ऑफिस से मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि जो सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति है उसको योजना का लाभ मिले, और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो भी सोच थी उसका पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में योजनाएँ लागू की हैं। आज पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था वह पूरा होते हुए दिख रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया सभी कार्यकर्ताओं के साथ। क्या नाम आपका? हाकम सिंह चौहान, पूर्व विधायक गोटेगांव। मध्य प्रदेश सेवड़ा दतिया में भाजपा सरकार के मुखिया अपने आप को मध्य प्रदेश का मामा बताते हैं, लेकिन जब एक महिला शिक्षक के साथ खुलेआम दिन दहाड़े छेड़छाड़ कर दी जाती है, वहीं मध्य प्रदेश में बैठे भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारी भांजिया सुरक्षित है। अपराध करने वालों पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते आज सेवड़ा में एक लेडी शिक्षक के साथ स्थानीय युवक ने छेड़छाड़ की है। बता दें कि सेवड़ा में जब शिक्षिका स्कूल जा रही थी तभी अचानक एक व्यक्ति ने उस महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। जब महिला शिक्षक चिल्लाने लगी तभी स्कूल में बैठे हुए शिक्षक ने उस व्यक्ति की मौके पर पिटाई कर दी एवं सेवड़ा थाना प्रभारी को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी शिशिर दास अपने टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, आरोपी को हिरासत में लिया एवं कार्यवाही करने में जुट गई। इसी के चलते जब शिक्षकों को जानकारी मिली तो सेवड़ा तहसील के समस्त शिक्षक एक राय होकर आरोपी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की। सेवड़ा थाना में पहुंचे पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की एवं चक्का जाम किया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन सेवड़ा की जनता के सामने गलती मांगी और कहा कि हम कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। प्राथमिक शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 सेवड़ा में सहायक अध्यापिका के पद पर शिक्षिका वहाँ कार्यरत हो, वो अपने स्कूल में ऑफिस में बैठ के कुछ अपने शासकीय काम कर रही थी, तभी वहाँ से पीछे से अरविंद वाल्मीकि आया। उन्होंने मैडम के साथ कुछ अश्लील अर्जुन हरकतें करी, जिससे मैडम की छवि में काफ़ी उनको बुरा लगा कि उसने कुछ उनको ऐसे जगह छुआ कि उनको बुरा लगा, जिससे काफ़ी आक्रोश जनता में हुआ, इस कारण से थाने का घेरा हुआ। लेकिन मैडम तत्काल ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर आरोपी को खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दायर FIR का गिरफ्तारी कर लीजिए। आरोपी को तत्काली न्यायालय भेजा जाएगा। ये घटना सुबह 8:30 की, जब मैडम अपने ऑफिस में काम कर रही थी। निवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का 38वां स्थापना दिवस स्वामी विवेकानंद हॉल में मनाया गया, जहां क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन ने संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी की स्थापना मुंबई में हुई। अधिवेशन 6 अप्रैल
1980 को हुई थी, जब पार्टी में चंद कार्यकर्ता हुआ करते थे। आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही श्री जैन ने पर्यावरण संदेश व विचार गोष्ठी कर लोगों को सरकारी योजना व पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया। पार्टी का लक्ष्य अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाना है। सरकार रही भारतीय जनता पार्टी में अटल अडवाणी जैसे दो व्यक्ति ही संसद में जब उनका प्रवेश हुआ तो लोग हंसते थे। कांग्रेस की एक हंसी के पात्र बनते थे जब जनप्रतिनिधि हमारे सारे लोगों के बीच में। मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में एक बयान दिया था कि आज जो तुम हंस रहे हो बहुमत के कारण, आज हम अल्पमत में भले ही हैं लेकिन एक समय वो ऐसा भी आएगा कि जब देश में हम बहुमत में होंगे और आप अल्पमत में होंगे। आज पूरे देश में सिद्धार्थ नगर जिले के विकास भवन के गेट पर ताला लगाकर सभी ग्राम पंचायत अधिकारी व विकास भवन के अधिकारियों ने आजमगढ़ के एडीएम द्वारा वहीं के खंड विकास अधिकारी से अभद्र व्यवहार व उनको थप्पड़ मारने की वजह से सिद्धार्थनगर के सभी अधिकारीगण एकजुट होकर उनके ऊपर कार्यवाही व उनको निलंबन करने के लिए विकास भवन के गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है जब तक कार्यवाही नहीं होगा तब तक हम इस धरने पर डटे रहेंगे और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कल से अनिश्चितकालीन धरना करने को बाध्य होंगे। किसी भी दशा में कोई कार्य कोई भी नहीं करेगा। वहीं प्रधान ने भी अधिकारियों का पूरा साथ दे रहे हैं। वहीं प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इस धरने में पूरी तरह अधिकारियों का साथ देंगे और इस पर कार्यवाही की मांग भी करते हैं। देखिए एडीएम प्रशासन आजमगढ़ द्वारा जो अमानवीय कृत्य किया गया है खंड विकास अधिकारी आजमगढ़ के ऊपर वो निहायत निंदनीय है। विकास का अपना एक धारा है जिसमें सारे लोग प्रवाहित होते हैं। बीडीओ साहब को अनर्गल तरीके से एडीएम प्रशासन आजमगढ़ लवकुश तिवारी ने मारा पीटा और खेद का विषय तो यह है कि अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिद्धार्थनगर जनपद के 1199 पंचायतों के प्रधान राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान के संगठन के बैनर तले सिद्धार्थनगर के द्वारा मैं ये मांग करता हूं कि 24-48 घंटे में यदि लवकुश त्रिपाठी को निलंबित करके उनके ऊपर विधि संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे सिद्धार्थनगर के प्रधान रोड पे उतरकर अपने खंड विकास अधिकारी के पक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे। जनपद आजमगढ़ में 29 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान वहाँ के एडीएम साहब श्री लवकुश त्रिपाठी जी के द्वारा ये खंड विकास अधिकारी को गर्दन पकड़कर थप्पड़ से मारा गया और यह बहुत ही अपमानजनक रहा और सभी वहाँ पर अधिकारी उद्वेलित हैं और उसके एवज में सभी हमारे अधिकारीगण में आक्रोश है कि इस तरह की कार्रवाई जो है बहुत ही अशोभनीय है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपराधिक कृत्य है और उनके FIR दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ उनका निलंबन होना चाहिए। इसी के तहत हम लोग कार बहिष्कार किए हुए हैं। सर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें अभी हमारे प्रादेशिक संगठन के द्वारा और अनुसांगिक जो हमारे संगठन हैं उनके द्वारा शासन पर वार्ता होने जा रही है। उसके बाद जो भी वहाँ से निर्देश मिलेगा उसके आगे हम लोग वहाँ से निर्णय जो होगा उसको किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं, चल 4 और 5 को हम लोगों ने बहिष्कार किया है। अगर आगे नहीं होता तो अनिश्चितकालीन